बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की धमाकेदार एक्शन फिल्म सूर्यवंशी पिछले एक साल से अटकी पड़ी है। मेकर्स ने जब जब सिनेमा घरों में कदम रखने की कोशिश की है, कोरोना वायरस महामारी ने उनके पैरों में जंजीर बांध दी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अब खत्म हो चुकी है, जिस कारण फैंस को उम्मीद है कि उन्हें सूर्यवंशी जल्दी देखने को मिलेगी। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। बेल बॉटम के प्रमोशन में व्यस्त अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी की रिलीज डेट पर बात करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। सूर्यवंशी की रिलीज के बारे में केवल रोहित शेट्टी या फिर भगवान को पता है। अक्षय कुमार के अनुसार सूर्यवंशी की रिलीज के बारे में केवल दो ही लोगों को पता है, एक भगवान और दूसरे रोहित शेट्टी। जब मीडिया ने अक्षय कुमार से पूछा कि क्या सूर्यवंशी के मेकर्स दिवाली 2021 पर धमाका करने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। मैं भगवान से सूर्यवंशी की रिलीज के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। मैं खुद इस फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूं। मैं चाहता हूं कि दर्शक सूर्यवंशी को बड़ी स्क्रीन पर देखें। मैं भी ऐसी धमाकेदार फिल्म को बिग स्क्रीन पर देखना पसंद करूंगा। वेल, अक्षय कुमार ने भले ही सूर्यवंशी की रिलीज डेट ना बताई हो, लेकिन उनकी बातों से इतना तो पक्का लग रहा है कि फिल्म के मेकर्स इसे सिनेमा घरों में ही रिलीज करेंगे।